नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज लाइव। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव भी होने वाली है, लेकिन अब तक उसके तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है और इसको लेकर के प्रत्याशियों में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है और काफी सस्पेंस भी बन रहा है। चूंकि चुनाव आयोग ने अभी तक इसका कोई भी डेट निर्धारित नहीं किया है, हालांकि कयास लगाया जा रहा है और प्रत्याशियों के द्वारा भी ये बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि चुनाव अप्रैल लास्ट या मई में शुरू हो। लेकिन इन तमाम बातों को कैसे रखा जाए और कब होगा, क्यों नहीं होगा, इस पर तमाम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आलोक आजाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्या लगता है आलोक जी, जो पंचायत चुनाव है, चूंकि जो प्रतिनिधि अभी है, मुखिया सरपंच पंच जो भी है, उनकी कार्यकाल जून में खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले चुनाव करा लेना होगा, लेकिन अब तक चुनाव अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो ये क्या संभावना है, क्या लग रही है जी? मुझे लगता है कि कोरोना के इफेक्ट के कारण लेट हो रहा है और इसके पूर्व हम लोगों ने देखा भी है कि पिछले साल उतना कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप था, पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, उसके बावजूद विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ा भी लेट नहीं किया गया, समय से विधानसभा चुनाव को करा लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो विधान परिषद का जो चुनाव था उसको एक साल लगभग विलंब किया गया कोरोना के कारण। जो चुनाव पिछले साल फरवरी मार्च में हो जाना था एमएलसी का, जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, वो चुनाव लास्ट में दिसंबर में हुआ जी, तो कोरोना के कारण ऐसा हुआ। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने कहा कि कोरोना की वजह से, तो कोरोना अभी फिलहाल सिर्फ बिहार में तो है नहीं, और कोरोना जब अपने पीक पर था तब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, बाकी के चुनाव कराए गए, अभी बंगाल में भी चुनाव हो रही है, तो क्या कोरोना वहां पर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय चुनाव की बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर किसी चुनाव से फर्क पड़ता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और राजनीतिक दलों के भविष्य को तय करता है वो चुनाव। बिल्कुल, बिहार में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे नहीं होते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। यहाँ निर्दलीय के रूप में लोग चुनाव लड़ते हैं, इस बार भाजपा समर्थित प्रत्याशी घोषित हो रहा है जिला परिषद में, लेकिन ऐसे जनरली यहाँ पार्टी बेसिस कोई चुनाव होता नहीं पंचायत का, तो इसपे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इससे पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने जा रहा है। और जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिहार में पहले भी सब हम लोगों को याद होगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज तीन बार से लगातार चार बार से बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद उसके पहले लगभग 15-20 साल तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, 25 साल तक। तो पहले बिहार ने देखा है अधिकारियों के द्वारा सरकार शासन चलाई है पंचायत स्तर के, और इस बार भी जो सुनने को मिल रहा है कि जहां जहां पंचायत, अभी जो पंचायत चुनाव का प्रतिनिधियों का जो समय कार्यकाल खत्म होगा, तो वहां जो अधिकारी हैं वो उनके कार्यों को संचालन करेंगे, इस तरह का पत्र भी सरकार का आया है कुछ दिनों पूर्व। और इस तरह के पत्र को देखने के बाद क्या लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पंचायत चुनाव को कोरोना के कारण टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन चूंकि लगातार चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी कर रही है कि इतने लोग सम्मिलित होंगे, कितने टाइमिंग से लेकर कितने टाइमिंग तक चुनाव होगा, अब तक का जो खाका बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन जो सस्पेंस है वो डेट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो विधानसभा चुनाव में भी बिहार में देखने को मिला था कि डेट अनाउंस जो था वो एन मौके पर लास्ट में जाकर के कर दिया गया था, तो क्या संभावनाएं बन रही है कि ये इस तरह की भी सिचुएशन आ जाएगी? जी बिल्कुल, लास्ट विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में अंतर है। पंचायत चुनाव पिछले बार भी लगभग 7 से 8 चरण में पिछले बार पंचायत चुनाव हुआ था, तो 8 चरण में पंचायत चुनाव करने में समय लगता है, उसके पहले जो कर्मचारी होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है उसमें समय लगता है, तो ये सब करीब करीब जितना भी सिस्टम है तो कर्मचारियों का ट्रेनिंग से लेके सब में 10-15 दिन 20 दिन समय लगते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह का अभी
कहीं से कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू की है। सबसे पहला स्टेज यही होता है कर्मचारियों का ट्रेनिंग और चुनाव का प्रबंधन, तो चुनाव का प्रबंधन भी कहीं नहीं दिख रहा है और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी नहीं दिख रही है। एक और सवाल है, जैसे लगातार इस तरह की बात होते आ रही है कि पंचायत चुनाव को भी बिहार में ईवीएम से कराया जाएगा। पहले बैलेट पेपर से होता था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ईवीएम से कराने की तैयारी हो रही थी और इस पर ट्रायल भी चला है, तो क्या ये ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर के भी देरी हो सकती है, क्या संभावना ये भी है? बिल्कुल, पंचायत चुनाव जो होते हैं वो 6 स्तर के होते हैं, उसमें सरपंच, पंच, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और जिला पार्षद, ये 6 लेवल के चुनाव होते हैं और 6 लोग एक व्यक्ति 6 लोगों को वोट करता है एक बार में। तो ईवीएम से एक बार में 6 लोगों को वोटिंग कैसे होगा ये अभी तक हम लोगों ने भी नहीं देखा है। पहला अनुभव हम लोग भी इस बार करेंगे। मुझे लगता है कि ये सब तैयारियों में भी सरकार को समय लग रहा है और ईवीएम की भी कमी की बात हो रही है, ईवीएम दूसरे राज्यों से मंगाने की बात आ रही है, चुनाव आयोग रोक भी लगाने की बात आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। जब तक क्लियर नहीं हो रहा है चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम से चुनाव का, तब तक माना नहीं जा सकता है कि ईवीएम से चुनाव हो ही जाएगा, हो सकता है मतपत्र से ही हो जाए। आपको मैं बता देता हूं कि जिस तरह के बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है, सदस्य अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्रों में तैयारी में लग गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने तिथि का निर्धारण अभी तक नहीं किया है और इसको लेकर के सस्पेंस इसलिए है क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे अपनी आलोक आजाद जी ने भी कहा कि कोरोना की वजह भी हो सकता है, ईवीएम से इस बार चुनाव कराने की तैयारी हो रही है तो हो सकता है कि इसके वजह से भी डिले हो रहा हो। लेकिन अगर चुनाव समय से नहीं होता है आलोक जी, तो इसमें क्या संभावना है? क्योंकि ऐसा अभी तक ये देखा गया है कि जो लोकल वहां अधिकारी हैं, जैसे बीडीओ सीओ के द्वारा पंचायत को संचालित किया जाएगा, तो योजनाएं जो है सरकार की जो अब तक मुखिया और वार्ड और जिला परिषद के द्वारा ग्रामीण स्तर तक पहुंचती थी, तो वो योजनाएं क्या बीडीओ इतने सारे काम करते हुए भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे सुचारू रूप से? कमियां तो होंगी, यदि कमियां नहीं होती तो इतने सारे पंचायत प्रतिनिधियों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, पंचायत प्रतिनिधि अपने पंचायत के हर व्यक्ति को जानते हैं, हर व्यक्ति के समस्याओं से रूबरू होते हैं, वार्ड सदस्य जो सबसे उनका छोटा लेवल है वो उनकी पहुंच घर घर तक होती है, घर घर की समस्याओं को का लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है पंचायत चुनाव। तो कहीं ना कहीं पंचायत यदि पंचायत चुनाव स्थगित होता है कुछ समय के लिए या टाला जाता है तो अधिकारियों के हाथ में जवाबदेही आएगी। तो प्रत्येक पंचायत में पंचायत सचिव का एक पद तो होता ही है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, बहुत हद तक उनको जानकारी होती है, कितना चला पाते हैं ये देखने की बात होगी। ये पंचायत चुनाव पर चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक बात और निकल के आती है कि प्रत्याशी अपने फुल तैयारी में है लेकिन चुनाव आयोग अभी तक इसकी घोषणा नहीं की कि कब चुनाव होगी। जून में कार्यकाल खत्म होने वाला है, इससे पहले अगर चुनाव कराई जाती है तो क्या इस कोरोना काल में ये चुनाव कराना सरकार के लिए सही साबित होगा? देखिए, कोरोना का भी एक बड़ा समस्या है, वो स्कूलों में आ जाता है, शादी ब्याह में आ जाता है लेकिन चुनाव में नहीं आता है। लाखों लोग जहां भीड़ लगाए होते हैं, चुनाव का प्रचार होता है, रैली होता है, वहां कोरोना का कभी नामो निशान नहीं देखेंगे। अभी लगातार बंगाल में या विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रही है, तमिलनाडु वगैरह में, तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी के तरफ से कोई प्रिकॉशन का नहीं किया जा रहा है और चुनाव हो रहा है वहां। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना चुनाव से भी और पॉलिटिकल पार्टियों से भी डरती है। क्योंकि बिहार में भी जब चुनाव हुआ था तो उस समय कोरोना अपने पीक पर था और रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि बिहार से कोरोना खत्म हो चुका था। तो सवाल ये भी है कि अगर बिहार से कोरोना खत्म हो चुका था तो फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद जब नई सरकार बन गई तो फिर से कोरोना कैसे आना शुरू हो गया और पंचायत चुनाव में ये कोरोना एक ग्रहण बन के कैसे आ गया? देखिए, पिछले बार बिहार में चुनाव था, उसके चुनाव के घोषणा के पूर्व कोरोना का भयावह स्थिति थी। बिल्कुल,
और उसी के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव का अनाउंस होता है और कोरोना पीड़ित पेशेंट्स की संख्या जीरो तक चली जाती है, मतलब कि कोरोना नहीं रहता है बिहार में। 99% तक रिकवरी रेट बताया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय कोरोना बंगाल चला गया था, तमिलनाडु चला गया था, आसाम चला गया था, पांडिचेरी चला गया था, विभिन्न राज्यों में घूम रहा था जहां चुनाव नहीं थे, चुनाव नहीं थे, बंगाल में चला गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ चुनाव की घोषणा हुई उस समय वहां चला गया, और अब वहां जब चुनाव की घोषणा हुई है उन राज्यों में, तो फिर घूम फिर के बिहार में महाराष्ट्र में आ गया, क्योंकि यहाँ तो चुनाव 4-5 साल होना नहीं है विधानसभा या लोकसभा का। तो अब कैसे ये चीज होता है ये तो हम लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर कोरोना जहाँ चुनावी राज्यों में कोरोना की रफ्तार धीमी क्यों हो जाती है, कोरोना से बचाव के बिना ही लोग सुरक्षित रहते हैं, आराम से हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं, बावजूद कोरोना नहीं पकड़ता है। बिहार में कोरोना तो पकड़ रहा है। अब पंचायत चुनाव से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को हानि नहीं होती है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कोरोना की भयावह हम लोग देख ही रहे हैं, पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में कोरोना आ चुका है बिहार में। प्रतिदिन 600-700% निकल रहे हैं। बिल्कुल। मृत्यु दर भी बढ़ रहा है हमारा। मार्केट जब निकलते हैं देखते हैं क्या स्थितियां हैं, एकदम कोई किसी भी तरह का कोई भी कोरोना का प्रिकॉशंस का पालन नहीं किया जा रहा है, और प्रशासन को इसमें सख्ती बरतना चाहिए, आम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव को कोरोना के कारण डिले तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव तो गांव गांव घर घर का चुनाव होता है, और एक देश का राज्य का एक एक व्यक्ति उस चुनाव में इंटरफेयर करता है अपना। और उस स्थिति में यदि पंचायत चुनाव होता है कोरोना की स्थिति रहेगी तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी। तो तमाम मुद्दों से ये देखा जाए कि अगर पंचायत चुनाव अभी होता है तो कोरोना का प्रसार भी तेजी से हो जाएगा, तो सरकार को एहतियातन कुछ समय के लिए जब तक किसी स्थितियां कुछ सामान्य नहीं हो जाती है तब तक चुनाव को टाल देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को पंचायत चुनाव को जब तक कोरोना की स्थिति भयावहता जो कोरोना का है वो खत्म नहीं हो जाता है, कोरोना शांत स्थिति में नहीं आ जाती है, कोरोना का रिकवरी रेट 100% नहीं चला आता है, तब तक पंचायत चुनाव को टाल देना सरकार को चाहिए, क्योंकि जनता के हित में बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस चर्चा में आने के लिए, और हम लगातार चूंकि पंचायत चुनाव से जो भी जुड़ी खबरें होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, और हम इसीलिए इस चर्चा को हमने रखा था क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं या लोग जो आम पब्लिक है जो वोटर है उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि आखिर चुनाव कब होगा और होगा या नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो क्या स्थिति बनेगी और नहीं हुआ तो क्या स्थिति बनेगी। तो ये तमाम बातों पर हमने चर्चा किया, और ऐसे ही खबरों को लेकर आते रहेगा। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।